येस गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम यू टू ऑल आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर गणित शिक्षण शास्त्र के जो परिभाषाएं हैं मोस्टली गणित शिक्षण शास्त्र में आपके परिभाषाओं से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो आज के सेशन में हम लोग वही परिभाषाओं को कंप्लीट करेंगे आज के सेशन का टारगेट ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा परिभाषाओं को हम लोग कंप्लीट कर पाए ताकि एग्जाम में जब भी आप परिभाषाओं को देखें तो जैसे ही कोई भी परिभाषा आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से आप उनको पकड़ पाए और जल्दी से अपना एक नंबर यहाँ पर कवर कर पाए ओके तो सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यदि आप ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिट्स पैडागोजी यानी कि गणित शिक्षण शास्त्र के नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप इन्हें खरीद सकते हैं ओनली जस्ट रूपीज में इसके लिए आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं आपका व्हाट्सअप नंबर लिख रही हूँ एट डबल सेवन जीरो एट इस पर व्हाट्सअप करके आप सारी डिटेल इससे रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं नोट्स से रिलेटेड इसमें सारा कंटेंट अवेलेबल है आपके थ्योरी नोट्स इसके अंदर रहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी और इतनी गारंटी है कि इसके बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा क्योंकि इसमें पैडागोजी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट हो सकता था वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी गई प्रीवियस ईयर एग्जाम में कोई भी न्यू टॉपिक पूछा गया कोई भी अदर टॉपिक जो सिलेबस में मैंशन नहीं है वो चीज़ें भी वो पॉइंट और उसके प्रश्न भी सेशन में इस नोट्स के अंदर ऐड किए गए तो ओनली जस्ट रुपीज नाइन्टी नाइन में आप इसे बाय कर सकते हैं इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं एट डबल सेवन जीरो एट जीरो थ्री एट फोर जीरो पर ओके okay? चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं सेशन की स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी सेशन एंड हो तो आपको एक ऐसी फीलिंग आना चाहिए कि हाँ आज का जो सेशन हमने अटेंड किया है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है ठीक है अगर आप ये सोच रहे कि चलो अभी जस्ट पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको एग्ज़ाम टाइम पे वापस से देख लेंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम टाइम पे जस्ट आपको रिविजन करना होता है जितना भी लर्न करना होता है नई नई चीज़ों को सीखना होता है वो आपको एग्जाम से पहले ही करना होता है तो टारगेट यही करिएगा कि एग्जाम हमारा जब सेशन एंड होगा तब तक आपको सारी परिभाषा लर्न हो जानी चाहिए ठीक है तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर आपको सारी चीजें देखनी है सबसे पहले यदि हम लोग बात करें बीसवीं शताब्दी के प्रख्यात ब्रिटिश गणितज्ञ और दार्शनिक बर्टे ड्रसेल की पहली परिभाषा आज के सेशन की किसकी बनती है बर्डे ड्रसेल की बनती है हम लोग इन्हें शॉर्ट में बी बोलेंगे ताकि पढ़ने में आसानी रहेगी बर्टेड रसेल के अनुसार गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम जानते ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं और हमें यह भी पता नहीं होता है कि जो हम कह रहे हैं यानी कि जो हम बोल रहे हैं वह सत्य भी है या नहीं बस हम चीज़ों को प्रूफ करने की कोशिश में सत्यापित करने की कोशिश में लगे रहते हैं राइट बर्टेड रसेल ने क्या बोला है उन्होंने गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया है जिसमें हम नहीं जानते हैं मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं इवन हम लोग जो कर रहे होते हैं हम लोग जो बोल रहे होते हैं वो सत्य है भी या नहीं लेकिन हम लोग उन चीजों को प्रूफ करने की सत्यापित करने की कोशिश में लगे रहते हैं तो ये परिभाषा देने वाले कौन है ये परिभाषा देने वाले बी आर बर्टेड ड्रेसेल है शॉर्ट में आप कैसे याद रखोगे पूरी परिभाषा याद नहीं रहेगी माइंड में इतनी बड़ी आप शॉर्ट में याद रख सकते हो बर्टेड ड्रेसेल ने बोला है कि गणित एक ऐसा विषय जो आप जानते भी नहीं हो कि आप क्या बोल रहे हो क्या कर रहे हो लेकिन फिर भी आप उन्हें सत्य करने की कोशिश में जद्दोजहद में लगे हुए रहते हो इस प्रकार की परिभाषा देने वाले बर्टेड ड्रेसेल है आज के सेशन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि

तो कोई भी चीज कोई भी शास्त्र कोई भी बायोलॉजी फिजिक्स कुछ भी चीजें यहां पर खगोल विज्ञान हो गया एस्ट्रोनॉमी, कोई भी चीजें यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी तो कांट ने क्या बोला है भौतिक शोधों का अनिवार्य साधन क्या है गणित है ठीक है क्या कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं नहीं प्रूफ नहीं कर पा रहे अगर इस प्रकार की डेफिनेशन दी जाती है कि आप क्या कह रहे हैं बस आपको क्या करना होता है चीजों को सत्यापित करना होता है ठीक है जो बोल रहे हो वो सत्य है भी या नहीं इसका तक हमें पता नहीं है गणित की ऐसी डेफिनेशन बी के द्वारा बर्टेड रसेल के द्वारा दी गई है कांटे ने क्या बोला है अनिवार्य साधन भौतिक शोध का अनिवार्य साधन क्या है गणित है इस प्रकार से गणित को डिफाइन करने वाले कौन है कांट है मतलब गणित जो है हमारी कांटेदार है आप ऐसे करके ध्यान रख सकते हो गणित काफी कांटेदार है क्योंकि गणित नहीं पढ़ी तो वो आपके लिए फिजिक्स में कांटे उत्पन्न कर सकती है मार्ग में कांटे उत्पन्न कर सकती है तो इस प्रकार की डेफिनेशन देने वाले कौन है कांट है राइट नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं आज की सेशन के डेफिनेशन नंबर थ्री लिंडसे के अनुसार लिंडसे ने क्या बोला है कि गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है और निश्चित रूप से मनुष्य के दिमाग द्वारा कोई और अधिक अद्भुत भाषा नहीं बनाई गई है अब गणित को मानव के दिमाग से कनेक्ट करते हुए अद्भुत भाषा बनाने वाले कौन है लिंडसे हैं। लिंडसे ने क्या बोला है मनुष्य के दिमाग के द्वारा बनाई गई एक ऐसी अद्भुत भाषा इसके अलावा और कोई भाषा है ही नहीं जो मनुष्य के दिमाग के द्वारा रची जा सकती हो या इतने एक्सट्रीम लेवल की हो इस प्रकार से गणित को डिफाइन करने वाले कौन है सबसे पहले तो एक चीज होती है परिभाषा पढ़ते समय कि हमें डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए राइट डेफिनेशन का जब तक मीनिंग समझ नहीं आएगा तब तक हम उनका मनोविज्ञान जिनके भी द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है उनका नाम ध्यान नहीं रख पाएंगे तो डेफिनेशन का मीनिंग समझ में आए गणित को क्या है भौतिक विज्ञान की शाखा बताया गया है ठीक है और इन्होंने ये बोला है कि और निश्चित रूप से मनुष्य के दिमाग के द्वारा बनाई गई एक अद्भुत भाषा है और इसके अलावा ऐसी कोई भाषा हो ही नहीं सकती है इस प्रकार से गणित को अद्भुत बनाने वाले कौन थे लिंडसे थे ठीक है तीन डेफिनेशन लर्न कर ली है एक डेफिनेशन और लर्न करेंगे फिर इसको रिवाइज करेंगे हम लोग देखो ये तो पूछा हुआ प्रश्न है आपके एग्जाम में राइट रोजर बेकन ने ठीक ही कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है मतलब कोई भी विज्ञान यदि आप सीखना चाहते हैं तो उसका एंट्रेंस कहाँ से होगा उसकी शुरुआत कहाँ से होने वाली है उसकी शुरुआत गणित से ही होगी जब तक हमें गणित का आइडिया नहीं होगा हम किसी भी विज्ञान को किसी भी ब्रांच को नहीं समझ पाएंगे तो ये डेफिनेशन देने वाले कौन है रोजर बेकन है क्या बोला है इन्होंने कि गणित सभी विज्ञानों का सीधवार और कुंजी है ठीक है अभी मान लो ऐसा आपके साथ हो रहा हो कि अभी आपको ऐसा लग रहा हो शुरुआत शुरुआ शुरुआत में कि यार कुछ भी डेफिनेशन याद नहीं हो रही है तो अभी हम लोग जब आप सेवनटीन सिक्सटीनथ नंबर की डेफिनेशन तक पढ़ेंगे सोलह नंबर की डेफिनेशन तक आएंगे और उसके बाद जब हम लोग क्वीज़ कंप्लीट करेंगे आप देखिएगा बहुत आसानी से आपको सारे ही क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे बस आपको यही है कि अभी फुल कॉन्सेंट्रेट होकर पूरे सेशन को अच्छे से देखना है फिफ्थ नंबर की डेफिनेशन की हम लोग यहाँ पर बात करें गाउस के द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है गाउस बोल सकते हो गौस बोल सकते हो ठीक है एक ही है महान गणितज्ञ के गौस ने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों की रानी है रानी की बात करें गणित विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण टूल है भौतिकी रसायन विज्ञान खगोल विज्ञान आदि गणित के बिना समझे नहीं जा सकते हैं तो गोस्त ने कौन कौन से पॉइंट आप याद रखेंगे एक तो रानी की बात करिए जो किसी और ने नहीं करिए एक टूल की बात करिए जो किसी और ने नहीं करिए बाकी गणित विज्ञान प्रौद्योगिकी ये आपको हर डेफिनेशन में मिल जाएंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट हमें पकड़ना पड़ेंगे जो किसी और डेफिनेशन में नहीं आते हैं ठीक है एक तो ये वाला हम लोग रखेंगे ध्यान में रानी वाला एक टूल वाला ध्यान रखेंगे भौतिकी रसायन विज्ञान खगोल विज्ञान आदि गणित के बिना समझे नहीं जा सकते हैं तो ये डेफिनेशन देने वाले कौन है गौसे ठीक है पांच डेफिनेशन हो गई रिवाइज करते हुए चलेंगे सबसे पहले बर्डेड रसेल के द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है तो उन्होंने बोला है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसे हम जानते भी नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम जो सत्य कर रहे हैं वो सही है या भी नहीं हम जो कह रहे हैं वो सही है या भी नहीं या फिर सत्य है या भी नहीं यह डेफिनेशन देने वाले कौन है हमारे बर्डेड बर्टेड रसेल है क्लियर है इस तरीके से सत्यापित करने वाली बात कौन करते रसेल करते हैं ये हमारी बी आर की डेफिनेशन हो गई सत्यापित करने वाली अच्छा उसके बाद हमने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी उसके बाद हमने कांट की डेफिनेशन पढ़ी थी राइट right? कांट ने क्या बोला था कांट ने ये बोला था कि गणित जो है ना सभी भौतिक शोध का अनिवार्य साधन है ठीक है कुछ ऐसा पॉइंट पकड़ना जो किसी और डेफिनेशन में नहीं आता हो भौतिक शोध का अनिवार्य साधन गणित है ये किसी और ने नहीं बोला है इस तरीके की लाइन तो ये किसकी डेफिनेशन है कांट की डेफिनेशन है भौतिक शोध का अनिवार्य साधन गणित है कांट की डेफिनेशन करी थी देन हम लोग फिर आ गए थे लिंडसे के ऊपर तो लिंडसे ऐसा कुछ बोल रहे थे कि गणित सभी गणित जो है भौतिक विज्ञान की भाषा है मनुष्य के दिमाग के द्वारा शायद ही इस प्रकार से कोई अद्भुत भाषा बनाई गई होगी ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था ये बोला था इन्होंने सबसे पहले कि विज्ञान की भाषा है तो ये तो कुछ कॉमन वर्ड है जो आपको हर डेफिनेशन में मिल जाएंगे तो इसके साथ साथ आपको क्या और ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि मनुष्य के दिमाग के द्वारा जब मनुष्य के दिमाग की बात करेंगे तो वो सिर्फ लिंडसे के द्वारा ही की गई है मनुष्य के दिमाग के द्वारा बनाई गई अद्भुत भाषा है मनुष्य के दिमाग के द्वारा बनाई गई अद्भुत भाषा है इससे अद्भुत कोई और भाषा नहीं हो सकती है ये डेफिनेशन देने वाले हमारे लिंडसे हैं राइट right? तीन डेफिनेशन हो गई फिर फोर्थ नंबर पे हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो रोजर बेकन की देखी थी बहुत आसान सी डेफिनेशन थी क्या इन्होंने बोला था कि जो गणित है सभी विज्ञानों का सीह द्वार और कुंजी है राइट right? सभी विज्ञानों का जितने भी विज्ञान की जितनी भी ब्रांचेस होती है फिजिक्स ले लो केमिस्ट्री ले लो जितनी भी ब्रांचेस होती है एस्ट्रोनॉमी कुछ भी ले लो ये स्वीद्वार और कुंजी है कुंजी मतलब चाबी बोल सकते हो आप इसको है ना तो रोजर बेकर ने क्या बोला है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है फिफ्थ नंबर पे हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो गॉस की देखी थी तो गॉस ने बोला था कि गणित सभी विज्ञानों की रानी है रानी अलग है और सीधार कुंजी है, अलग है याद रखना गॉस ने बोला था रानी है फिर बोला था टूल है और उन्होंने ये बोला था कि कोई भी ब्रांच हो गई भौतिक रसायन विज्ञान खगोल विज्ञान कोई भी ब्रांच हो गई यदि आपको गणित का नॉलेज नहीं है ना तो आप इनको नहीं समझ सकते मतलब हमें क्या होना चाहिए हमें गणित समझ में आना चाहिए राइट right, ये डेफिनेशन थी अगली डेफिनेशन पर मूव करें रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आगे आने वाली डेफिनेशन पीछे जो चली गई है डेफिनेशन उनके साथ मर्ज नहीं होगी अभी हमारी स्क्रीन पर है गैलीलियो की डेफिनेशन गैलीलियो ने क्या बोला था गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है अब ये अकेले गेलीलियो ऐसे हैं जिन्होंने भगवान का नाम लिया है संपूर्ण जगत का नाम लिया है और ब्रह्मांड का नाम लिया है तो बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगी गेली परमेश्वर संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड गणित वो भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है अब इन्होंने यहाँ पर परमेश्वर भगवान की बात करी इन्होंने कोई मानव मन मस्तिष्क की बात नहीं करी है राइट तो ये चीज़ें भी हमें कनेक्ट हो जाएगी क्योंकि लिंडस ने बोला था कि मानव के मस्तिष्क के द्वारा बनाई गई अद्भुत भाषा है लेकिन गेलिनियो ने क्या बोला कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है राइट अब आता है हौक बिन। हौक बिन ने क्या बोला है गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है बहुत आसान सी भाषा हॉकबेन ने क्या बोला सभ्यता और संस्कृति का दर्पण कौन है गणित है ये बोलने वाले कौन है हॉकबेन है ठीक है और अगर ऐसे पूछ लिया जाता की सीधार कुंजी बोलने वाले कौन है तो सीध्वार कुंजी बोलने वाले आपके रोजर बेकन है और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि भौतिक शोध का भौतिक शोध का अनिवार्य साधन है ना अभी पढ़कर आए अपन भौतिक शोध का अनिवार्य साधन है किसने बोला है कांट ने बोला है अगर आप भौतिक शोध नहीं कर पाओगे यदि आपको गणित का नॉलेज नहीं है मतलब गणित के नॉलेज के लिए आपको आ, मतलब भौतिकी के नॉलेज के लिए आपको गणित आना चाहिए नहीं तो जिंदगी में कांटे खड़े हो जाएंगे बोलने वाले कौन है कांट है ठीक है तो ऐसे याद कर लो जैसे भी याद हो रही है बस याद करना है हमें अगली परिभाषा की बात करते हैं नेपोलियन बहुत पूछी जाती है आपके बी के जितने भी नोट्स होंगे उसमें देखिए होगी आपने परिभाषा हमेशा ही आती है गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है लेकिन सिर्फ हम लोग मेन लाइन यहाँ पर याद कर रहे हैं इनकी तो काफ़ी बड़ी डेफिनेशन पूछी जाती है वैसे तो यहाँ पर बताया गया नेपोलियन के द्वारा कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि जो है देश की संपन्नता से संबंधित है जितना ज्यादा देश का गणित उन्नत होगा विस्तृत होगा उतनी ही उस देश की संपन्नता सही रहेगी तो ये डेफिनेशन देने वाले कौन है नेपोलियन है राइट कनेक्ट करते हुए चलेंगे चीजों को आगे परिभाषा की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे जे डब्ल्यू ए यंग के अनुसार जे डब्ल्यू ए जे डब्ल्यू ए यंग के अनुसार यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिकी सभ्यता जो है हमारी भौतिक सभ्यता जो है निसंदेह नष्ट हो जाएगी अभी हम लोग देख रहे थे कि सभी भौतिकी का आधार गणित है है ना अब इन्होंने क्या बोल दिया थोड़ा सा चेंज कर दिया है यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित को ही हम लोग हटा दें यंग ने क्या बोला है काफी यंग मान लो इनको जवान मान लो तो ये क्या बोल रहे हैं अगर तुम गणित को हटा दोगे ना तो सारी संस्कृति सभ्यता जो है हमारी भौतिक की सभ्यता है क्या हो जाएगी नष्ट हो जाएगी और ये खत्म करने वाली मारने पिटने वाली आइडियाज कौन होते हैं यंग युवा जनरेशन जो है वही देती है तो ऐसे करके कुछ याद कर लेना यंग युवा जनरेशन हमेशा चीजों को मारने काटने की बात करती है तो गणित को अगर हटा दिया गणित को मार दिया तो भौतिक सभ्यता जो है वो क्या हो जाएगी नष्ट बस्ट हो जाएगी खत्म हो जाएगी राइट ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो सिंपल आसान तरीके से याद होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगला लॉक की बात करते हैं लॉक ने क्या बोला है गणित व मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित की जाती है अच्छा बच्चों के साथ गणित को जोड़ना तर्क को जोड़ना कौन है लॉक है बच्चों का दिमाग लॉक हो जाएगा अगर उनको गणित नहीं सिखाई गई तो ये बच्चों के दिमाग को लॉक करने वाली बात कौन करते हैं लॉक करते हैं तो इस तरीके से आप याद करना कि गणित व मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है बच्चों के मन में तर्क स्थापित करना और गणित के द्वारा ये डेफिनेशन देने वाले हमारे Lock है है ठीक इतना क्लियर हुआ चलिए परिभाषा नंबर फाइव हमने क्या पढ़ी थी जल्दी से बताइए हमने गौस की पढ़ी थी गौस ने कुछ ऐसा बोला था कि गणित विज्ञानों की रानी है फिर उन्होंने बोला था टूल है फिर उन्होंने बोला था कि जो भौतिकी और रसायन और खगोल विज्ञान जो है गणित के बिना संभव नहीं है तो गौस ने ये डेफिनेशन दी थी फिर हम लोग आ गए थे गैलीलियो पे गैलीलियो ने बोला था कि भगवान है गैलीलियो ने क्या डेफिनेशन दी थी हमने तो भगवान परमेश्वर से याद रख लिया था लेकिन फिर भी पूरी डेफिनेशन आप देखना चाहते हैं तो गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड के आ, को लिख दिया है राइट गणित के अंदर ही उन्होंने पूरी प्रकृति की रचना या फिर ब्रह्मांड की जितनी भी रचना है उसको लिख दिया है डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है गैलीलियो के द्वारा दी गई है अब हम लोग बात कर रहे थे फिर हॉकबेन की बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन थी हॉकबेन ने क्या डेफिनेशन दी थी कि सभ्यता और संस्कृति का दर्पण सभ्यता संस्कृति के दर्पण की बात यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी हॉकबेन के द्वारा की गई थी? थी फिर आए थे हमारे नेपोलियन नेपोलियन सीधा साधा सा बोलकर गए थे कि गणित की उन्नति और वृद्धि जो है देश की संपन्नता से संबंधित है अब देश की बात किसने कर दी है देश की बात कर दी है नपोलियन हिल्स ने राइट तो गणित की उन्नति तथा वृद्धि जो है देश की संपन्नता से संबंधित है फिर हमने देखा था यंग जनरेशन जो थी युवा जनरेशन जो थी मारने पीटने की बात करती है तो ये बोलती है कि अगर गणित को हटा दिया गया ना तो पूरी जो भौतिक सभ्यता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी नष्ट हो जाएगी तो गणित को हटाना मतलब पूरी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर देना ठीक है फिर लॉक ने बोला था कि अगर बच्चों को गणित नहीं पढ़ाई जाए बच्चों का मन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा लॉक लग जाएगा ताला लग जाएगा तो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत यहाँ पर स्थापित हो जाती है राइट right? यहां तक क्लियर है इतनी परिभाषाएं भी याद हो गई ना तो आप ऑप्शन कट करके भी बहुत सारी परिभाषाओं के आंसर कर पाओगे अगला प्रश्न आपकी सॉरी अगली डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर है डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है मैथेमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ गिविंग द सेम नेम टू डिफरेंट थिंग्स मैथेमेटिक्स गणित इस प्रकार का आर्ट है इस प्रकार की कला है विच इज़ गिविंग द सेम नेम टू डिफरेंट थिंग्स ये डेफिनेशन देने वाले कौन है हैंनरी पॉइंटकेयर है अब इन्होंने क्या बोला इसका हिंदी यदि आप देखना चाहें तो इसका हिंदी ये है कि मैथेमेटिक्स गणित इस प्रकार का आर्ट है जिसमें अलग अलग तरीके से इसे नाम दिया गया है इसे कुछ गफ, फिजिक्स जो होता है हमारा भौतिकी विज्ञान है रसायन विज्ञान इसको नाम दे दिया गया पर वो मेन है क्या वो गणित के ही आर्ट है वो गणित के ही भाग है अलग अलग तरीके से बनाए गए तो इस प्रकार से कुछ डेफिनेशन दी गई है हैनरी पॉइंट केयर के द्वारा ठीक है तो ये डेफिनेशन आसानी से हम लोग लर्न कर सकते हैं गणित को एक कला बताने वाले कौन है गिविंग द सेम नेम टू डिफरेंट थिंग इस तरीके से बताने वाले हमारे हैनरी पॉइंट केयर हैं आगे हमारी शुलटने की डेफिनेशन है शुलटने क्या बोलते हैं कि गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए दी जाती है गणित के तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद आता है शुलटने बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको मेंटल डेवलपमेंट करवाना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी मानसिक शक्तियों का विकास हो तो क्या पढ़ो गणित पढ़ो अब गणित पढ़ने के बाद ही आप उसके तथ्य फैक्ट को समझ पाओगे गणित के तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है ठीक है सबसे पहले हमें मानसिक रूप से गणित को समझना पड़ेगा उसके बाद हम धीरे धीरे लर्न करेंगे फैक्ट को तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई ये डेफिनेशन दी गई शुलटने के द्वारा ठीक है हेनरी पॉइंट केयर के द्वारा आर्ट की डेफिनेशन दी गई है ने के द्वारा मानसिक शक्तियों के विकास की डेफिनेशन गणित के टर्म्स में दी गई है अब आते हैं हमारे आइंस्टीन आइंस्टीन ने क्या बोला है उन्होंने ही क्वेश्चन मार्क बना दिया जिंदगी को गणित क्या है या उसे मानव चिंतन का प्रतिफल है या उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है अब पहले ही आपसे पूछ रहे कि बताइए गणित क्या है फिर ये जवाब दे रहे हैं कि यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है मतलब मानव चिंतन मनुष्य ने जितना भी चिंतन किया है उसके बाद जो उसका रिजल्ट निकला है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य रूप के अनुरूप है जो सत्य चीज़ें हैं उसके अनुरूप है मतलब उसके जैसा ही है यह डेफिनेशन देने वाले कौन है यह डेफिनेशन देने वाले आइंस्टीन है देन हम लोग बात करें वर्णाडिशा वर्णा डिशा के अनुसार तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है यदि आप लॉजिकल सोचना चाहते हैं यदि आप तार्किक रूप से सोचना चाहते हैं तार्किक चिंतन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं गणित का सहारा ले सकते हैं गणित के माध्यम से आप तार्किक चिंतन यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है राइट right, तो ये डेफिनेशन देने वाले कौन है वर्ना डीशा है वर्णा डीशा ने तार्किक चिंतन और गणित को एक शक्तिशाली साधन की बात यहाँ पर की हुई है तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे एक तो तार्किक चिंतन भी और एक शक्तिशाली साधन भी आगे परिभाषा की बात हम लोग करेंगे मार्शल की डेफिनेशन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे मार्शल ने क्या बोला है मार्शल ने कुछ ऐसा बोला है देखो मार्शल की डेफिनेशन देख लेते हैं गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि गणित पूरी कल्पनात्मक है लेकिन फिर भी हम इसको मूर्त रूप में लाने की कोशिश करते हैं हम लोग कुछ चीजें एज्यूम करते हैं लाइक एक्स वाई जेड ऐसी कुछ राशि एज्यूम करते हैं और कुछ फैक्ट डायरेक्टली हम लोग आंसर लेकर आ जाते हैं तो मार्शल ने क्या बोला है गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है तो अमूर्तता मूर्तता की बात करने वाले कौन है अमूर्तता और मूर्तता की बात करने वाले बर्नेट हमारे मार्शल है राइट तो आपका आंसर यहां पर मार्शल हो जाएगा जब इस प्रकार की परिभाषा पूछी जाती है एक परिभाषा और हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक परिभाषा और आपसे पूछी गई है मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्किलफुल ऑपरेशन विद कॉन्सेप्ट एंड रूल्स इन्वेंटेड जस्ट फॉर दिस पर्पस ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है इंग्लिश में दी गई इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं देखो मैथेमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्किलफुल ऑपरेशन मैथेमेटिक्स इस प्रकार का गणित इस प्रकार का विज्ञान है जो एक स्किलफुल या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्किलफुल विज्ञान है जिसमें क्या किया जाता है आप ऑपरेशन को समझते हैं जितनी भी संक्रियाएं वगैरह होती है

चलिए तो एक बार पंद्रह से लेकर जो हमारी ग्यारह से लेकर जो डेफिनेशन थी उनको रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले हमने कहाँ पर एंड किया था रिवाइज करना हमने लॉक की डेफिनेशन पढ़ी थी लॉक ने क्या बोला था बच्चों का मन लॉक हो जाएगा यदि आप उन्हें गणित नहीं पढ़ाएंगे उनकी डेफिनेशन ये थी कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है अगर मन मस्तिष्क में ये गणित करने का तर्क स्थापित नहीं हुआ तो बच्चों का माइंड क्या हो जाएगा लॉक हो जाएगा तो ये जॉन लॉक की डेफिनेशन थी यहाँ पर और फिर हमने देखा था कि जो हैनरी पॉइंट केयर है उनकी डेफिनेशन क्या थी उन्होंने आर्ट बताया था किसको गणित को मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ गिविंग द सेम नंबर ऑफ़ डिफरेंट थिंग्स ठीक है अलग अलग प्रकार से इन्होंने आर्ट बताने की कोशिश करी हैनरी पॉइंट केयर के द्वारा फिर इन्होंने हम लोग पढ़े थे शुलटन की डेफिनेशन तो शुलटन ने क्या डेफिनेशन दी थी शुलटन ने कुछ इस तरीके से दी थी कि मानसिक शक्तियों का विकास होता है ठीक है इस प्रकार की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है शुलटन के द्वारा यहाँ पर दी गई है अगला डेफिनेशन हम लोगों ने किसका पढ़ा था अगला डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था आइंस्टीन का राइट कि हेनरी पॉइंट केयर की डेफिनेशन हो गई ये शुलटन की डेफिनेशन यहाँ पर हो गई इन्होंने मानसिक शक्तियों का विकास करना के लिए दी जाती है गणित की शिक्षा और गणित के तथ्यों का ज्ञान इसी के बाद आता है देन फिर आइंस्टीन की डेफिनेशन इन्होंने पहले पूछ लिया कि गणित क्या है फिर उन्होंने बताया कि ये एक प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है और तथा सत्य रूप से अनुरूप है Then, वर्ना डिशा की डेफिनेशन देखिए ने क्या बोला था तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है दोनों लाइन याद रखेंगे तार्किक चिंतन गणित गणित शक्तिशाली साधन मार्शल अनुसार, मार्शल के के अनुसार अनुसार एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इन तत्वों को मूर्त रूप में प्रस्तुत या परिभाषित किया जाना है राइट right? देन फिर हमने विज्ञान की डेफिनेशन देखी कि ये स्किलफुल साइंस है ये एक प्रकार का साइंस है स्किलफुल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट का रूल्स का जो कि डिज़ाइन किया गया या फिर इन्वेंट किया गया इसी पर्पस के लिए ठीक है तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी सारी सोलह डेफिनेशन हो गई है आप चाहे तो एक बार वो जल्दी से रिवाइज करके हम लोग क्वीज़ के ऊपर मूव कर सकते हैं क्वीज़ भी बहुत सारी बनती है सबसे पहले हमने देखा था बर्नेट बर्टेड रसेल की डेफिनेशन को बर्टेड रसेल ने बोला था कि गणित एक ऐसा विषय है जिसे हम जानते नहीं कि हम क्या कह रहे हैं और हमें यह भी नहीं पता कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है भी या नहीं ये सबसे पहली डेफिनेशन थी उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड डेफिनेशन जो पड़ी थी वो कांट की पड़ी थी कांटेदार कांटे ने बोला था गणित सभी भौतिक शोधों का अनिवार्य साधन है

सभ्यता संस्कृति का दर्पण बोला है देन नेपोलियन ने गणित की उन्नति तथा वृद्धि जो है देश की संपन्नता से संबंधित है तो ये देश से कनेक्ट करने वाली बात गणित को नेपोलियन बोल के गए हैं फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो जेडब्ल्यू यंग के अनुसार यदि विज्ञान का आधार स्तंभ यंग लोग हैं हटाने मारने कुटने की बात करेंगे तो गणित को हटा दोगे तो सारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी लॉक ने क्या बोला है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है हेनरी पॉइंट केयर ये बोलते हैं कि मैथमेटिक्स एक आर्ट है जो सेम नेम ऑफ द डिफरेंट थिंग्स यानी कि अलग अलग नाम दे दिए गए हैं गणित को लेकिन है तो वो गणित ही गणित का ही भाग है गणित एक प्रकार की कला है देन शुलटन ने यह बोला है कि मानसिक शक्तियों का विकास करना है और गणित के तथ्यों का ज्ञान इसके बाद ही आएगा Right? राइट की बात अनुरूप तो है शक्तिशाली साधन है गणित तार्किक चिंतन करना है तो गणित को एक हथियार बना लो Then, फिर मार्शल ने अमूर्तता और मूर्तता की बात कर ली और विज्ञानर ने यहाँ पर बात कर ली स्किलफुल ऑपरेशन की कॉन्सेप्ट की रूल्स की और जो इन्वेंट किया गया सिर्फ इसी पर्पज से तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी ऐसे कुछ डेफिनेशन और लेकिन अगर आपने इतनी भी याद कर ली ना तो बाकी जितनी भी डेफिनेशन आएगी उसको आप आसानी से ऑप्शन कटिंग मैथड के थ्रू आंसर कर पाओगे अब आते हैं हम लोग क्वीज के ऊपर चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बिल्कुल सही से आंसर करना दो से तीन बार हम लोग रिवाइज भी कर चुके हैं गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे हम जानते ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं और हमें यह भी नहीं पता होता है कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है भी या नहीं परिभाषा देने वाले कौन है देखो ये सत्य कहना नहीं कहना एक ही इंसान है जो सत्य असत्य की बात करते हैं वो है हमारे सबसे पहले बी आर बर्टेड आंसर तो आपका क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर वन बन, बन रहे है ना आंसर इस तरीके से अगले प्रश्न की बात करें तो गणित सभी भौतिक शोधों का अनिवार्य साधन है भौतिक शोधों के अनिवार्य साधन की बात बर्टेड ने नहीं करी है भौतिक शोध यदि आपको भौतिक शोध करना है तो आपको गणित आना चाहिए और गणित अगर नहीं आती है तो आपके जीवन में कांटे खड़े हो सकते हैं कांट ने थी डेफिनेशन आंसर आपका क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांट के द्वारा यह परिभाषा यहाँ पर दी गई है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है और निश्चित रूप से मनुष्य के दिमाग द्वारा कोई और अधिक अद्भुत भाषा नहीं बनाई गई है डेफिनेशन देने वाले कौन है भौतिक विज्ञान की अद्भुत भाषा मनुष्य के दिमाग की बात कौन करते हैं लिंड से करते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा लिंड से मनुष्य के दिमाग की बात किसने करी है लिंडे से करी है राइट अगला प्रश्न है गणित सभी विज्ञानों की रानी है रानी की बात टूल की बात गणित रसायन खगोल विज्ञान गणित के बिना संभव नहीं है किसके द्वारा कहा गया है यहाँ पर ये चीज़ हमारी कही गई है आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन में है क्या ये आंसर गणित सभी विज्ञानों की रानी है गणित विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण उपकरण टूल है इसके बिना आप गणित को नहीं समझ सकते ऑप्शन में आंसर नहीं है क्योंकि ये परिभाषा दी गई है गोस्ट के द्वारा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देना था मुझे उपरोक्त में से कोई नहीं क्योंकि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फाइव बना लो इसको गोस्ट के द्वारा ये डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है राइट चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हॉकबेन के अनुसार हॉकबेन के अनुसार गणित की क्या परिभाषा हो सकती है गणित वह भाषा जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है क्या ये परमेश्वर वाली बात हॉकबेन ने करी थी दूसरा गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है देश की बात हॉकबेन ने करी थी गणित व मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित हो जाती है बच्चों के मन मस्तिष्क को तर्क से करने की बात क्या हॉकबेन करते हैं हमको तो कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है क्योंकि परमेश्वर की बात तो गैलीलियो ने करी थी राइट हम नहीं बोल रहे थे कि जैसे ही परमेश्वर आएंगे गैलीलियो आ जाएंगे और गणित की उन्नति तथा वृद्धि और देश की बात नेपोलियन ने करी थी राइट तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था गणित वह मार्ग है जिसमें बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है बच्चों का मन मस्तिष्क लॉक हो जाएगा यदि बच्चों ने गणित को नहीं सीखा तो ये तो लॉक की डेफिनेशन है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये तीनों ही डेफिनेशन अलग अलग गणितज्ञ की है ये हमारी हॉकबेन की डेफिनेशन नहीं है तो फिर हमारी हॉकबेन की डेफिनेशन यहाँ पर क्या हो सकती थी बताइए हॉकबेन ने बहुत सीधी सी भाषा में बोला था कि गणित क्या है गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है गणित का सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है बहुत आसान सी भाषा में हकबेन ने गणित को डिफाइन कर दिया था तो आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी मन मस्तिष्क लॉक की डेफिनेशन एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया उन्नति देश की वृद्धि देश की संपन्नता नेपोलियन है ना नेपोलियन ऐसी बात करते हैं और परमेश्वर की बात कौन करते हैं परमेश्वर की बात यहाँ पर गेली करते हैं राइट right? तो ये कुछ क्वेश्चन आज के सेशन में हमने कंप्लीट किए बाकी के क्वेश्चन हम लोग अपकमिंग सेशन जो आएगा उसमें हम लोग एक पूरा कंप्लीट क्वीज़ रखेंगे उसके अंदर कंप्लीट करेंगे ओके तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार से यदि आप कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर, कर सकते हैं एट डबल सेवन जीरो एट जीरो थ्री एट फोर ज़ीरो आई होप कि हमने जितनी भी डेफिनेशन आज के सेशन में पढ़ी है वो हम लोगों को लर्न यहाँ पर हो गई होगी ठीक है तो आज के सेशन का आप होमवर्क भी जरूर से लेकर जाइए आपको ये बताना है एक होमवर्क आपको दिया जा रहा है कि गणित एक प्रकार की अमूर्त व्यवस्था है गणित एक प्रकार की अमूर्त व्यवस्था है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है ठीक है किससे मिलकर बनी है अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इसे क्या किया गया है मूर्त रूप में पारिभाषित किया गया है ये डेफिनेशन देने वाले कौन है विदाउट ऑप्शन आप इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर अगेन आई रिपीट गणित एक प्रकार की अमूर्त व्यवस्था है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इसे मूर्त रूप में पारिभाषित किया गया है यह डेफिनेशन देने वाले कौन है आप सभी का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जाकर चेक करूंगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करिएगा और सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए जो सेम व्हाट्सएप नंबर अभी दिया गया है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी रखा हुआ है आप उस पर जाकर संपर्क कर सकते हैं राइट थैंक यू फॉर वॉचिंग